नमस्कार सभी साथियों का, एक बार आप सभी का इस YouTube चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत है। और साथियों, आज जो है मैं आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि कुछ ही दिनों में इस चैनल को काफ़ी अच्छी लोकप्रियता मिली है और बहुत सारे लोगों तक ये चैनल पहुँच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा अचीवमेंट ये कि कुछ ही दिनों में 500 के लगभग सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़ चुके हैं। और इसके लिए आप सभी ने जो मेहनत की है, आप सभी ने जिसका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी जैसा भी जिन्होंने रोल निभाया यहाँ पर, इसके लिए जो अपना अपना योगदान दिया है, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपका जो प्रयास है वो बिल्कुल सराहनीय है और बहुत अच्छी मेहनत आप लोगों ने इस चैनल को प्रमोट करने के लिए करी है। तो आप सभी का दिल से थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। साथियों, यदि हम बात करें आज के इस टॉपिक की, आज की इस क्लास की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम को मेरे सामने मतलब रखा है कि सर, इस प्रकार की प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आती है, तो उस स्थिति में हम क्या करें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत शानदार होने वाली है और उम्मीद करता हूँ और मुझे 100% ये विश्वास है कि आपको आज की इस क्लास में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अलग आपको सीखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बीच में वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि पता नहीं कि जब आप वीडियो को स्किप करें उस समय कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बोली हो और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपको उसकी ज़रूरत थी, लेकिन यदि आपने उसको स्किप कर दिया और वो बात आप नहीं सुन पाए तो आपका वो टॉपिक उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा जो आप चाहते हैं और जिस उद्देश्य से मैंने ये आज की क्लास आपके लिए यहाँ पर रखी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे एक साथ, जो कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसीट, आप एक बार इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो साथियों किसके लिए है, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट वाउचर्स के लिए। केवल और केवल 3 वाउचर्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, कॉन्ट्रा पेमेंट एंड रिसीट। साथियों, अक्सर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिनको लेके वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस क्लास को लेने के बाद उनके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो उनको अक्सर प्रॉब्लम में ला देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारी जो कंपनी है जिसमें हमें ये पूरा प्रैक्टिकल करना है, हम उस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन पर हम हैं और सबसे पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर कर्सर मैंने यहाँ पर मूव कर रखा है सेलेक्ट कंपनी के नाम से, तो हम सेलेक्ट कंपनी को एंटर, इस पर एंटर बटन प्रेस करके, और जिस कंपनी में हमें प्रैक्टिकल करना होता है हम उस कंपनी को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस पर एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है साथियों, अब प्रॉब्लम क्या है और आज की क्लास हमारी क्या है वो आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा शानदार टॉपिक आज आपके सामने आने वाला है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लोग जब अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं, आप जो अकाउंटिंग वाउचर्स पर आप एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए, अभी आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो ऊपर की तरफ कि कौन सा वाउचर यहाँ पर सेलेक्ट है, अभी एक्टिव है, वो है पेमेंट वाउचर। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर F4 बटन प्रेस करते हैं तो हमें कौन सा वाउचर मिल जाता है, कॉन्ट्रा वाउचर। तो F4 बटन प्रेस किया तो कॉन्ट्रा वाउचर आ गया, F5 यदि हम प्रेस करते हैं तो पेमेंट वाउचर हमारे सामने आ जाता है, इसी प्रकार यदि हम F6 करें तो यहाँ पर रिसीट वाउचर हमारे सामने आ जाता है। अभी आप यदि इस स्क्रीन पर ध्यान दे पा रहे हैं, जहाँ पर अभी मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कॉलम के नीचे की हम बात कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर CR लिखा हुआ आ रहा है रिसीट वाउचर में। इसी प्रकार यदि हम F5 करके और पेमेंट वाउचर में चलते हैं तो पेमेंट वाउचर में भी साथियों पर्टिकुलर के नीचे क्या आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हमें डेबिट कॉलम दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यदि हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर चलते हैं तो वहां हम पर्टिकुलर के नीचे CR कॉलम को देख पा रहे हैं। ये वो फॉर्मेट है जो अक्सर लोग टेली में काम करते समय यूज करते हैं, लेकिन कई बार एक ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है किसको लेके, कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसीट को लेके।
तो पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं कि उसका किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है और उसमें क्या डिफरेंस है। तो साथियों आप देखना एक बार, मैंने यहाँ पर F12 बटन, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन बटन बोलते हैं, F12 का जो नाम है वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बटन। साथियों जैसे मैंने यहाँ पर F12 बटन प्रेस किया तो आप इस स्क्रीन पर जो सेकंड ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स, ये अभी के लिए फिलहाल क्या है, नो है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग जब टेली में काम करते हैं तो उनके साथ ये एक प्रॉब्लम होती है कि ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले से उनकी कंपनी में यस होता है। जैसे मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, फिलहाल हमने इसको यस किया है। लेकिन कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये पहले से यस होता है, ठीक है साथियों, और जब ये पहले से यस होता है तो एक ऐसी समस्या जो है वो उन लोगों के सामने आ जाती है। कैसे समस्या आ जाती है, आप देखिए, अब आप कॉन्ट्रा वाउचर में देख पा रहे हैं पर्टिकुलर के जस्ट ऊपर एक नया कॉलम हमें दिखाई दे रहा है अकाउंट का। दूसरी बात, पर्टिकुलर के नीचे हमें अब यहाँ पर जो CR और DR का जो कॉलम आता है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार यदि आप F5 बटन प्रेस करके पेमेंट में आप जाते हैं तो पेमेंट में भी आपको DR और CR दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार यदि आप F6 बटन प्रेस करते हैं रिसीट वाउचर के लिए तो आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर पर्टिकुलर के नीचे जो CR कॉलम आता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा और उसके स्थान पर हमें यहाँ पर पर्टिकुलर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ रहती है। मैं एक बार आपको बैक लेके गेटवे ऑफ टेली पर चलता हूँ। दोबारा हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर बटन प्रेस करते हैं और अब आप देखिए, आप रिसीट में देख पा रहे हैं, आप पेमेंट वाउचर को आप देख पा रहे हैं, आप कॉन्ट्रा वाउचर को देख पा रहे हैं और आपने क्या महसूस किया यहाँ पर कि अब हमें DR और CR जो कॉलम होता है वो यहाँ पर पर्टिकुलर के नीचे दिखाई नहीं दे रहा और उसके स्थान पर हमें यहाँ पर पर्टिकुलर के जस्ट ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, अकाउंट का कॉलम। तो आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो फिलहाल स्क्रीन आपके सामने है उसे बोला जाता है सिंगल एंट्री मोड। आप जरूर इसको नोट करिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो। इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, जिसको भी हम देख पा रहे हैं, वो है सिंगल एंट्री मोड। कौन सा मोड साथियों, सिंगल एंट्री मोड। और इससे पहले जो स्क्रीन आप देख पा रहे थे जिसमें DR और CR का कॉलम दिखाई हमें देता है उसको बोलते हैं डबल एंट्री मोड। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग जो टेली पर काम करते हैं या स्टार्टिंग में जब वो टेली को सीखते हैं तो उनके सामने समस्या ये आ जाती है कि जब वो पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए F5 बटन प्रेस करते हैं तो पेमेंट वाउचर भले यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन उनको DR और CR का कॉलम यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब मैं एंट्री कैसे करूँ, क्योंकि उसने DR और CR का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है और वो एंट्री को डबल एंट्री मोड में करना जानता है, जबकि आपके सामने अभी जो स्क्रीन आ रही है वो है सिंगल एंट्री मोड। और हमने जो आपने जो काम सीखा है, अक्सर जो लोग काम करते हैं वो करते हैं डबल एंट्री मोड पर जिसमें DR और CR को यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यदि कभी भी आपके सामने आ जाए इन फ्यूचर या किसी के सामने आती है तो आप उसको ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपकी उसकी ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल हम यहाँ पर F12 बटन को प्रेस करेंगे और सेकेंड नंबर जो ऑप्शन होता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इस ऑप्शन को यदि हमें यस दिखाई दे रहा है तो क्या करना होगा, नो करना होगा। जैसे हम इसको नो करेंगे और F12 को हम स्क्रीन को सेव कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर पर्टिकुलर के ऊपर जो अकाउंट का कॉलम था वो यहाँ से हट चुका है और इसके नीचे जो है वो, एक बार मैं बैक करके वापस आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में ले चलता हूँ, तो अब आप दोबारा DR का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोट करें कि जो DR का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है किसमें, कॉन्ट्रा वाउचर में जो आपका पहले CR कॉलम आता है, पेमेंट वाउचर में पहले DR कॉलम आ जाता है और रिसीट वाउचर की बात करें तो पहले CR कॉलम आ जाता है। तो अभी जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है उसका नाम है डबल एंट्री मोड। तो पहले आपने जो देखा था स्क्रीन का कॉन्सेप्ट वो था सिंगल एंट्री मोड जिसमें DR और CR नहीं आता, सिंगल एंट्री मोड जिसमें आपको DR और CR का कॉलम दिखाई नहीं देता है और ना आप यूज़ कर पाते हैं किसमें, सिंगल एंट्री मोड में। बट अभी फिलहाल जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है मैं आपको बार बार कर्सर को मूव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि अब जो CR का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है जैसे रिसीट में
F5 में आप देख पा रहे हैं डेबिट का कॉलम और आप F4 कॉन्ट्रा में देख पा रहे हैं CR का कॉलम। तो साथियों इसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री मोड। तो ये आप सभी को समझना है और अब आगे के लिए आप भी इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट, मैं नाम बोल देता हूँ दोबारा, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट, इन तीनों वाउचर्स को, मैं केवल और केवल तीन वाउचर्स की बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस कॉन्सेप्ट को सेल्स वाउचर में, परचेज वाउचर में या आप कहीं और किसी और वाउचर्स में आप यूज़ कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, ये केवल और केवल किसके लिए है, कॉन्ट्रा पेमेंट एंड रिसीट वाउचर के लिए। तो एक तो ये तो तीनों वाउचर हैं, तीन नाम जो मैंने बताए आपको, ये इसमें एक तो काम होता है सिंगल एंट्री मोड में और एक काम होता है डबल एंट्री मोड में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आज की क्लास में हम केवल कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि सिंगल एंट्री मोड क्या होता है और डबल एंट्री मोड क्या होता है और वो दिखता कैसा है। और साथियों आपकी जो नेक्स्ट क्लास अभी होने वाली है, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, वो इस टॉपिक को लेके होगा कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड को हम यूज कब करें। अभी तो फिलहाल आज तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि सिंगल एंट्री मोड का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, उसकी स्क्रीन कैसी होती है, कैसा वो दिखाई देता है और डबल एंट्री मोड कैसा दिखाई देता है। बट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, बड़ा शानदार वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा और आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको ये सिखाएगा, ये बताएगा आपको कि डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकल में इन दोनों को यूज कैसे किया जाए। आज तो हम केवल ये समझ रहे हैं कि सिंगल एंट्री मोड कैसा हमें दिखाई देता है और डबल एंट्री मोड हमें कैसा दिखाई देता है। बट हमारी जो आगे की क्लास रहेगी उसमें हम ये चीज़ सीखेंगे कि डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड को हम यूज कैसे करें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, हम सिंगल एंट्री मोड में काम करेंगे तो वो कैसे होगा, डबल एंट्री मोड में काम करेंगे तो वो कैसा होगा और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फैसिलिटीज़ क्या है, इसको लेके हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो एक तो हमने क्या बात करी कि कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट सिंगल एंट्री मोड में भी होता है और डबल एंट्री मोड में भी होता है। तो कभी भी यदि आपके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ लास्ट, कि आप इस प्रकार की स्क्रीन देख पा रहे हैं जैसा कि कॉन्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है, रिसीट वाउचर आपको दिखाई दे रहा है और इन तीनों वाउचर्स में आप पर्टिकुलर के नीचे CR और DR को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिंगल एंट्री मोड स्क्रीन है, ये सिंगल एंट्री मोड आपके सामने अभी आ रहा है। बट हमें इसको डबल एंट्री मोड में यूज करना है, आपको CR और DR यूज करना है। तो क्या करना है, आपको F12 बटन प्रेस करना है साथियों और दो नंबर ऑप्शन जो कि यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स के नाम से है, इसे आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे और F12 बटन को, इसको कॉन्फ़िगरेशन को आप सेव कर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो मैंने ये बताई जो अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ रहती है और जिसको लेके मेरे पास कमेंट आई कि सर इस प्रकार का टॉपिक है और इस प्रकार की प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ रहती है तो हम क्या करें, तो उसको लेके मैंने आज का वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। सेकंड प्रॉब्लम की मैं एक बार और यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है साथियों, वो कि जब कई बार हम लोग काम करते हैं टेली के अंदर तो आप F12 में एक बटन देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ और पढ़ देता हूँ, मैं चार नंबर एक ऑप्शन पढ़िए आप, पांच नंबर यूज CRDR इंस्टीट ऑफ 2x ड्यूरिंग एंट्री, यूज CRDR इंस्टीट्यूट ऑफ 2x ड्यूरिंग एंट्री, देख पा रहे हैं आप, जो कि ये फिलहाल क्या है साथियों, यस है। बात आती है कि यदि इस ऑप्शन को नो कर दिया जाए और हम F12 को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा रिसीट वाउचर है इसमें आप CR की जगह क्या देख पा रहे हो, 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार यदि आप F5 में आप एंट्री करते हैं जहां पर्टिकुलर के नीचे पहले DR कॉलम आता है, अब DR के स्थान पर क्या आ रहा है, बाई लिखा आ रहा है। इसी प्रकार यदि आप कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो कॉन्ट्रा वाउचर में देखिए साथ पहले क्या आता है, CR आता है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है पहले हमें उसको समझना है, सॉल्यूशन क्या होगा उसका वो हम फिर समझ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो कई बार साथियों क्या होता है कि जब आप लोग टेली में काम करते हैं, आप कंपनी ओपन कर लेते हैं और आप एंट्रीज करने के लिए कहाँ जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में, और आप जब कॉन्ट्रा को सिलेक्ट करते हैं, आप F5 करके पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं, आप रिसीट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि ये तीनों वाउचर्स हैं तो डबल एंट्री मोड में, ठीक है, ये है तो डबल एंट्री मोड में,
राइट। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें डीआर और सीआर का कॉन्सेप्ट आता है, हमें डीआर और सीआर को यूज करना है, बट हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर टू लिखा हुआ आ रहा है। आप कॉन्ट्रा में देखेंगे तो टू लिखा हुआ आ रहा है, आप पेमेंट में देखेंगे तो बाय लिखा आ रहा है। तो हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या चाहिए कि मुझे इनके स्थान पर क्या यूज करना है, डीआर और सीआर। तो इसका सॉल्यूशन साथियों क्या होता है कि आप F12 बटन यहां पर रहते हुए प्रेस करें और जो 5 नंबर ऑप्शन मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने, यूज CRDR instead of टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसका मतलब क्या होता है कि आप टू और बाई के स्थान पर, टू और बाई के स्थान पर क्या चाहते हैं, डीआर और सीआर एंट्री करते समय। तो आप इस ऑप्शन को अब क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए, और ऐसा करने के बाद जब आप F12 कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं तो आपके सामने वापस क्या आ जाता है, डीआर और सीआर का कॉन्सेप्ट। तो आज की ये जो छोटी सी क्लास मैंने आपके लिए रखी थी, इसका पर्पज ये था कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि सिंगल एंट्री मोड कैसा होता है, डबल एंट्री मोड कैसा होता है, और जब हम एंट्री करें और हमारे सामने टू और बाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी हमें तो क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, डीआर और सीआर की, क्योंकि हमने तो वो कॉन्सेप्ट सीखा है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, किस प्रकार से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, एंट्रीज भी हमने डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में किए, तो हमें तो चाहिए डीआर और सीआर, बट डीआर सीआर नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा, उसको लाने के लिए क्या करना है, F12 बटन प्रेस करना है, और यदि ये ऑप्शन आपके टेली में नो है, यूज CRDR instead of टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, तो आप इस ऑप्शन को क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए। तो ऐसा करने के बाद क्या जाएगा, डीआर और सीआर। और सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर फाइनली रिपीट कर देता हूँ, F12 बटन प्रेस कीजिए, सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन मैंने पढ़ा है। आपको क्या करना है, इस सेकेंड नंबर ऑप्शन को फिलहाल नो रखना है यदि आप एंट्री डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो, और सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा। अब जैसे आप इसको यस करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये देखिए अब सीआर और डीआर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि सिंगल एंट्री मोड को हम कैसे लेके आएँ, डबल एंट्री मोड को हम कैसे लेके आएँ, यानी इनको हम चेंज कैसे करें, सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में कैसे जाएँ, डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड में कैसे जाएं। तो एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया आज, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि एंट्री करते समय यदि कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसीट में टू और बाई के स्थान पर, या मान लो जनरल वाउचर में या सेल्स वाउचर में, किसी में भी आपको क्या चाहिए, डीआर और सीआर, बट आ क्या रहा है, टू और बाई, तो टू बाई को हटा के हमें उसके स्थान पर क्या लेके आना है, डीआर और सीआर। तो साथियों क्या करेंगे, उसके लिए भी हम F12 में जहां पर हम प्रेस करेंगे। तो आज के लिए मैंने इस क्लास में दो ऑप्शन आपको बताएं, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको तो आपको क्या रखना है, नो, और नो रखने का मतलब आप एंट्री डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा के अंदर, और इस ऑप्शन को यूज CRDR instead of टू बाई ड्यूरिंग एंट्री को यस रखने का मतलब कि हमें टू और बाई के स्थान पर क्या चाहिए, डीआर और सीआर। लेकिन साथ में एक बात और आप जरूर याद रखें कि ये जो 5 नंबर ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, यूज CRDR instead of टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन का रिलेशन सभी वाउचर से है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट रिसीट और कॉन्ट्रा के लिए है। जिस वाउचर में डीआर और सीआर आता है उसके स्थान पर टू बाई आपको चाहिए तो इसको नो कर दीजिएगा, और टू बाई के स्थान पर आपको डीआर सीआर चाहिए तो आप इसको यस कर दीजिएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन आज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इनको समझ पाए होंगे कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कब हमें इसको यस करना चाहिए और कब हमें इन ऑप्शन को नो करना चाहिए। फिर भी बाय द वे, किसी के यदि कॉन्सेप्ट के लिए नहीं हो पाया तो वो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और आपको उसका पूरा 100% सॉल्यूशन जो है वो बताया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपने जो है आप क्लास में बने रहे, एंड तक आपने क्लास को देखा, आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसके लिए तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बोलना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और आप इसको आगे शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट है वो पहुँच सके। और हमारा नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आने वाला है मैं आपको फिर बता देता हूँ, यूज ये जो हमने सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड की बात करी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि डबल एंट्री मोड में एंट्री कैसे होती है,
सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कैसे होती है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है या फैसिलिटीज़ क्या है, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि हम ये क्लास रखेंगे तो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको कोई भी क्लास हो वो मात्र 15-20 मिनट में या 25 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे की आपकी क्लास रहे, ताकि ज़्यादा वीडियो आपको बड़ा ना लगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है और ज़रूर आप उस वीडियो को देखिएगा और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों से आप इनको बात करें और बताएं उनको इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और थैंक यू सो मच, आप सभी लास्ट तक एंड तक बने रहे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।